वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज है मेरी सबसे बड़ी राइड। तो आज हम लोग जा रहे हैं माउंट आबू। आपने टाइटल में देखा रहेगा। सो ओवरऑल जो राइड है वो कम से कम 3,000 से 4,000 किलोमीटर रहेगी। सो यहाँ पे अगर आप पीछे देख रहे हो, ये पूरी पैकिंग हो चुकी है मेरी। यहाँ पे मेरे पूरे ठंड के कपड़े और लैपटॉप बैग है। ये अपना ब्रदरहुड का जैकेट, ये एक्सॉर का हेलमेट लिया मैंने नया, ये विंटर ग्लव्स लिए विच इज़ वेरी इफेक्टिव। ठंड में ये चाहिए या चाहिए आपको। बाकी ये नी दैट इज नी गार्ड। सो दैट इज सब कुछ हो चुका है। अभी यहाँ से जस्ट सब जो ये सब जो सामान है वो सो माउंट करना है बाइक पे और यहाँ से निकलना है। अभी देखो, अभी बचे हैं 12 o'clock, तो जल्दी से निकलते हैं। okay. तो ये हो गया हमारा पूरा रेडी। सो अभी बजे 12:40। तो यहाँ से अभी मैं निकल चुका हूँ। अभी डायरेक्टली नहीं, अपना फाउंटेन होटल वेयर पे ज़हर हमको कनेक्ट करेगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी डायरेक्ट फाउंटेन पे मिलते हैं। A few inches later. It's 1:10 right now. मैं यहाँ पे पहुँचा लगभग 10 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे पहुँच गए। एक्चुअली ज़हर का एक इशू हो गया है। वो जो अपना टैंक बैग लगा रहा था तब उसका हेलमेट गिर गया और उसका जो हमारा का होल्डर रहता है वही टूट गया। उसको बोला यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आके हम फेविक्विक लगा के फिक्स कर देंगे। तो ज़हीर यहाँ पे आ गए। हम लोगों ने उसके इंटरकॉम को थोड़ा जुगाड़ किया है। ये देखो, जरा देखा, ये देखो ये क्या किया है। इधर पूरा एक स्ट्रैप लगाया है और इसके नीचे 3 mm का टेप लगाया के फिक्स कर दिया है। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे अभी बजने को आए 2, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 1.5 घंटा लेट है। थोड़ा सा निकलने का थोड़ा बहुत दिक्कत डालने का। तो आगे ज़हीर है, वही लीड करेगा आगे। क्योंकि नाइट का मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो वी आर बोथ आर कनेक्टेड टू इंटरकॉम। सो हम लोग चिट चैट करके जाएंगे, नो वरीज। तो ये हमारा पहला टोल नाका, फर्स्ट टोल नाका क्रॉस्ड, वीरार का टोल नाका। ओके, ये फॉग जम गया मेरे कांच पे। दूसरा टोल आ गया ये अपना। और अभी बजे है 3, रात के 3 बज चुके हैं। और ये आ गया मनोर का टोल है। ये 3 बज गए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है राइड को। ठंड भी बहुत है पर हम लोग पूरी तैयारी से आ गए। मैंने तीन कपड़े चढ़ाए एक के ऊपर एक। तो अभी बजे 3:20। बहुत ठंड है, मेरे हाथ पूरे जम गए इधर थोड़े बहुत। हर बार 2-2 मिनट में मेरे हाथ ऐसे करना पड़ रहा है। ये तीसरा टोल नाका इधर आ गया। अभी यहाँ का टेम्परेचर शायद रहेगा ना 15-14। यहाँ की जो ठंडी है पूरी चुभ रही है एक्चुअली। सो राइट नाउ वी आर इन सूरत। और यहाँ पे पीछे यहाँ पे टोल नाका है। ये कुछ फिफ्थ टोल नाका है यहाँ से। और हमारे 250 किलोमीटर्स कम्प्लीट हो गए। विद इन 3 hours वी आर कम्प्लीट 250 किलोमीटर्स। तो अभी 500 किलोमीटर्स आर स्टिल रिमेनिंग। सो ऑलमोस्ट हमें पहुँचने के लिए 2-3 लग जाएंगे, क्योंकि बीच में हम लोग और 2-3 ब्रेक लेने वाले हैं। लंच ब्रेक रहेगा, नाश्ते के लिए एक ब्रेक रहेगा। सो ऑल इज़ वेल राइट नाउ। और यहाँ पे 16 डिग्री टेम्परेचर है और अभी बजे है 6, सुबह के 6 बज चुके हैं। बहुत ठंडी है यहाँ पे। तो हेलमेट वगैरह पहनने से उसका कुछ फील नहीं हो रहा है, बट स्टिल इज़ वेरी वेरी कोल्ड एंड फ्रीजिंग। तो मेरे गुजरात के भाई और बंधु, आपके सूरत में मैं पहुँच चुका हूँ और इधर की चाय मैंने चख ली है। बहुत अच्छी चाय, मज़ा आ गया। अभी यहाँ से निकलते हैं, वी आर रेडी टू गो। यहाँ पे ये देखो, ऊपर से एक है और पीछे पिछवाड़ा सा बाहर आ गया इसका। ज़हीर देखा क्या? ये देखो, ये यहाँ पे ना अभी चढ़ने के लिए थोड़ी बहुत कसरत करनी पड़ती है। तो इसमें मेरे जो है ना पैर में क्रैम्प आता है। और देखो ऐसा चढ़ना पड़ता है। ठंड तो बहुत है पर क्या करें। तो अभी हम लोग रुकने वाले बड़ौदा में। वहाँ पे जाके पहला नाश्ता करेंगे, तब तक सूरज भी बाहर आ जाएंगे, सूरज देवता। क्योंकि वी आर रियली नीड सूरज देवता। पहली बार ऐसा लग रहा है कहाँ पे है हमारा सूरज। 72 है क्या? 72 रुपीज़। तो अभी लगभग 7 बजने को आया है। हम लोगों ने अभी पेट्रोल भरा यहाँ पे। मेरा कुछ 669 हुआ और तेरा कितना हुआ? 617 ना? 667। टोल नंबर 6, मुंबई से 6वां टोल, नर्मदा ब्रिज। जहर का सबसे फेवरेट ब्रिज है बोल रहा है। मैं तो पहली बार आया हूँ। अरे वाह, ये देखो नर्मदा ब्रिज। अरे सही दिख रहा है रे। नहीं देख पाते सीरियसली, ये भी हम लोग नहीं देख पाते अगर रात को आ जाते तो। भगाओ। The road all super awesome. Oh yes. मैंने आज तक और बुक में पढ़ा है और मैप में देखा था नर्मदा रिवर, और ये देखो यहाँ पे मेरे सामने। बस सुना था, आज देख भी लिया। ये जो राइड, इसमें मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ और वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जुड़े रहे हमारे साथ इस राइड पे। फिर एक ट्रक पलटे हो गया, इधर एक्सीडेंट हुआ, खतरनाक था भाई। तो ये 7th वाला अपना टोल है, 7 टोल प्लाजा। अच्छा है हम लोग बाइक पे, नहीं तो टोल भरते भरते पूरी जेब खाली हो जाती। क्या रे। और नर्मदा से यहाँ तक हमारे जो एवरेज स्पीड है 100 एंड अबव है अभी। ए सूरज देवता प्रकट हो गए उधर। हाँ, मज़ा आ गया। सो गुड मॉर्निंग गाइज वंस अगेन। इस इंजॉय। अभी कितने का? 2 3 4 5 6 7 और 5.5 घंटे में हम लोगों ने कवर किया है 346 किलोमीटर्स। वाओ, अमेजिंग। ये देखो तो सही कैसे रोड से फुल स्ट्रेट। अगर क्रूज कंट्रोल होता बाइक पे तो वहाँ छोड़ के जाते। तो अहमदाबाद से हम लोग 80 किलोमीटर यहाँ पे दूर, यहाँ पे एक होटल में बैठा है। आई माता भोजनालय ऐसा यहाँ पे एक होटल का नाम है। यहाँ पे हमने मंगवाया ये पराठा मंगवाया और ये दही। जो जहाँ पे बैठ के हम लोगों ने ये देखो, ये जहर का ये टूट गया था, कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो ये फिक्स किया यहाँ पे और फिर आगे तो फिर अभी आए से। तो अभी लगभग बज चुके हैं 9:30 और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और पराठे खाए, अभी मस्त निकलेंगे। तकरीबन 350 किलोमीटर्स और बाकी है। 6 आवर्स लगेंगे क्योंकि आगे रास्ता थोड़ा सा खराब भी है। अहमदाबाद की बात ना रे, अहमदाबाद के बाद थोड़ा रास्ता भी छोटा हो जाता है, हाईवे नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा टाइमिंग थोड़ा कम हो जाएगा। तो 6 आवर्स और लगेंगे, तो लगभग हम लोग पहुँच जाएंगे 1 या 2 बजे तक। हम लोग अहमदाबाद सिटी में हैं और यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। गूगल माता बता रही है लगेंगे 5 से 6 घंटे। ऊपर से हमारा लंच वगैरह रहेगा तो 6 घंटे तो पकड़ के चलो। यहाँ पे अगर देखो तो रिक्शा का कलर देखो, यहाँ पे रिक्शा ग्रीन और येलो। अरे ये क्या है? अलग अलग रिक्शा है यहाँ पे। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है, ये ग्रीन वाली जो दिख रही है। वाह, और ये पुणे जैसा है बे। पुणे में भी ऐसा ही है। ये बस का है। हाँ, बसेस का ही है। सही, अलग स्टेट में जाओगे तो अलग अलग चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिल रहेंगी। जैसे ये अभी यहाँ पर थोड़े से ट्रैफिक रूल्स भी थोड़े अलग रहेंगे। कोई भी किधर से चला रहा है। रॉन्ग साइड तो मुंबई में भी जाते हैं सब लोग। यहाँ पे बाजू में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इफ़ एनीबॉडी नोज ये अहमदाबाद में ये क्या है, प्लीज़ लेट अस नो। ये समुंदर तो नहीं लग रहा है, नहीं, पूरा क्लियर पानी एकदम। और बहुत बड़ा है यार, आगे से पीछे तक है। यहाँ पे हम मिडल ऑफ द हाईवे यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे मैंने पेट्रोल भरा है कुछ 600 का। तीसरी बार हम लोगों ने पेट्रोल भरा है यहाँ पे। पता नहीं मेरी गाड़ी का क्या प्रॉब्लम हो चुका है, गाड़ी बहुत पेट्रोल पी रही है। तो अभी डायरेक्ट जाएंगे पालनपुर और 70 से 80 किलोमीटर है, वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे माउंट आबू के लिए। चलो, तो ये शायद हमारा 9वां 10वां टोल रहेगा ना रे। तो ये ऑलमोस्ट 10वां टोल नाका है हमारा। 10 टोल नाका पास करके हम लोग आगे जा रहे हैं राजस्थान की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग। और हमारे कितना 250 किलोमीटर बाकी है अभी। अरे 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 बेटे क्या है ये, देखा ये, देखा आपने कैसे किया। तो प्लीज़ गाइस जब भी आप यहाँ पे आओगे तो थोड़ा सा सतर्क रहो एज पर द ज़हीर भाई कह रहे हैं। ओहो हो, यहाँ पे संभाल के चलाना चाहिए क्योंकि कुत्ता बिल्ली कोई भी आपका रास्ता काट सकती है। तो आराम से चलाओ। 1:15 मतलब 1 बज गए 10 मिनट घड़ी आगे है। सो ऑलमोस्ट मुझे 12 घंटे का समय हो गया बाइक चलाते चलाते। थकावट कुछ भी नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि धूप ज़्यादा है नहीं, ठंडी हवाएं है, नहीं तो थक जाते हम लोग गर्मी से। गाड़ी में आपकी गाड़ी को जो लगा है वो क्या क्या है? पतंग की डोरी है ना? अरे हाँ 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 हाँ, ओके, पतंग की डोरी के लिए। ओके 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 ओके, सही बात है भाई, चलते हैं। ओके, तो मुझे लगा वो बारिश का कुछ तो रहेगा, पर उन लोगों ने ये पतंग की जो डोरी है वो लगी नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हादसे हो गए हैं जो कि पतंग की डोरी लगने से बहुत जनों की मतलब गला कट के मौत हो गई, तो इसकी वजह से वो लगाया गया है। यहाँ पे देखो ये ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे का ट्रांसपोर्ट है, सब पब्लिक इसमें मुझे लगा कूट के भरी हुई है। कम से कम 12-15 लोग रहेंगे इसके अंदर। ये देखो, बाप रे, मज़ा आ गया। सो ये है 11वां टोल नाका। What a beauty! तो अभी माउंट आबू के लिए बस 50 किलोमीटर हम लोग दूर है और हम लोग यहाँ पे जरा ये हाईवे के बाजू में ही बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहे हैं और ये लड्डू खा रहे हैं। मैंने खास ये लड्डू लाए मेरे भाई की शादी से, अंदर बहुत सारे, और ये मेरे को पूरा थैली भर के दिया है माँ ने। बहुत मस्त है, टेस्टी एकदम। तो अभी लगभग 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पर। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। और रोड्स क्या है यार, मतलब पूरा स्ट्रेट रोड है, पूरा थ्रोटल देकर हम लोग ऊपर भागा रहे के पीछे एक। और जो ऐसा रोड्स आते ना ऊपर नीचे ब्रिज जो आते, ओहो मजा आ गया। गाड़ी पे एक होल नहीं है, पैच नहीं है जरा भी, स्ट्रेट गाड़ी भगाते रहो, पूरा स्ट्रेट। अब यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्ट्रेट रोड है, एक पैच नहीं है। ये गड्ढे बुझाने के लिए पैच लगाया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे क्लीन रोड है, मज़ा आ रहा है। अभी खाएंगे थोड़ा और थोड़ा आराम करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे माउंट आबू। तो सीधा मिलते हैं माउंट आबू में। तो अभी ये माउंट आबू का घाट सेक्शन चालू हो गया है, ये देख। यस, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तकरीबन 4:30 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे। आने के बाद बहुत मतलब सर भी बाल भी ख़राब हो गए थे, तो पहले हम लोग नहाए, जय भी नाके रेडी हो गए, मैं भी नाके रेडी हो गए। यहाँ पे पूरा हम लोग का पूरा सामान यहाँ पे ऐसा वैसा पूरा बिछड़ गया है। यहाँ पे लैपटॉप में पूरा डेटा कॉपी करने को रखा है मैंने। ओवरऑल राइड इज सुपर फाइन एंड स्मूथ राइड, सीरियसली मज़ा आ गया। कुछ 3 बार हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल वो 1,500 तक हम लोग का पेट्रोल गया। तो ये जो है हमारा, ये जो हमारा ये बेड है, और ये हमारा वॉशरूम बाथरूम। तो आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, 1 मिनट चलते ऊपर चलते। यहाँ पे हम लोगों ने बाइक पार्क कर दिया, ये देख रहे हो दोनों का बाइक पार्क है। अभी जाते हैं ऊपर, आपको नज़ारा दिखाता हूँ। जो घर है दिख रहा है, नज़ारा एकदम मस्त है। बहुत मज़ा आया राइड में, बहुत इंजॉय किया। और यू नो ड्रीम्स इज कम ट्रू एक्चुअली। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि बहुत बड़े राइड पे जाओ, इंजॉय मतलब। और ये फर्स्ट टाइम हम दोनों का भाई बड़ा राइड था, 750 किलोमीटर समथिंग। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इसके नेक्स्ट ब्लॉग में यहाँ का पूरे जो स्पॉट्स हम लोग घूमने वाले वो सब उसमें देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून ऑन दैट। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लिव योर लाइफ एंड चेज योर ड्रीम। बाय बाय। तो ये जो संपूर्ण घाट है वो तकरीबन 19 किलोमीटर का है और पूरी तरह से उल्टी सुल्टी वर्ण है इसमें, उल्टे सुल्टे रास्ते। मज़ा आता है, कॉर्नरिंग करने के लिए बेशुमार उत्साहित पुरुष यहाँ पे आते हैं।